हाल ही में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय सड़क निधि से जिले की कई सड़कों के लिए 222 करोड़ की धनराशि आवंटित की, जिसके बाद अब हर की पैड़ी को चकाचक बनाने के लिए 34 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था करवाई गई। इस बजट से हर की पैड़ी क्षेत्र स्थित घाटों की मरम्मत और सौंदर्यकरण होगा। साथ ही यहां पर सीसीटीवी कैमरे और भव्य आरती के साधन भी जुटाए जाएंगे। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि हरिद्वार पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है, जिसके चलते समय समय पर लोग यहां पहुंचकर गंगा में स्नान कर उसका आशीर्वाद लेते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए यहां का सौंदर्यकरण करवाना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से ये बजट जारी करवाया है। हरिद्वार पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है और जो हर की पैड़ी है उसका प्राण है। इस हर की पैड़ी पर दुनिया के तमाम लोग सदियों सदियों से गंगा स्नान के लिए आते रहे हैं और उस हर की पैड़ी पर जब ये सौंदर्यीकरण हो जाएगा तब उसका जो सीधा प्रसारण होगा और लेजर शो होगा, जिस तरीके से गंगा आरती होगी वो इतनी खूबसूरत इतनी आकर्षक होगी कि पूरे विश्व के लोग ठहर करके मेरे हरिद्वार की गंगा आरती को देख सकेंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद ले सकेंगे। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CMD को और उनकी पूरी टीम को भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने नमामि गंगे के तहत ये धनराशि हमको उपलब्ध कराई है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।